क्वेश्चन 8 में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की थ्योरी की बात पूछी गई है ना, एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है ना, रिफ्रैक्टिंग है ना बच्चों, तो दोनों पे लेंस लगे होंगे और वो भी कॉन्वेक्स वाले। और कहता है लार्ज एंगुलर मैग्निफिकेशन है और हाई एंगुलर रेजोल्यूशन है, मतलब रेजोल्यूशन भी ज्यादा है और मैग्निफिकेशन तो होता ही ज्यादा है इनका, तो ऑब्जेक्टिव लेंस की अपने को प्रॉपर्टीज बतानी है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस की प्रॉपर्टीज बतानी है। तो आगे देखते हैं, इस तरह कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल पढ़ोगे, ठीक है बच्चों, तो समझ में आएगा कि ये एक होता है ऑब्जेक्टिव और इसको अपन लोग आईपीस बुलाते हैं। देखो जितना ज्यादा होगा इसका डायमीटर उतना ही ज्यादा इसका अपर्चर माना जाएगा और ज्यादा से ज्यादा आपके रेज एंटर कर पाएंगे, मतलब डायमीट्रिक प्रॉपर्टी तो क्या होनी चाहिए बच्चों, ज्यादा। सेकेंडली रेज बहुत दूर जाकर बेंड होती हैं तो इसका जो फोकस होता है ना वो भी ज्यादा होना चाहिए, मतलब दोनों का आंसर ज्यादा होगा। तो लिख सकते हैं लार्ज फोकल लेंथ और लार्ज डायमीटर, जितना ये ज्यादा होगा उतना ही इसके आईपीस के अंदर बनेगी इमेज, यही कंसेप्ट सीखते हैं अपन लोग आईपीस के बारे में, जितना दूर बनाओगे उतना ही इसके अंदर बनेगा और फिर आपको यहाँ पे एक इमेज मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये आप लोगों के पास बच्चों एक टेलीस्कोप है और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से रेज आ रहे हैं, ये तब का आंसर है जब फाइनल इमेज अपने को, फाइनल इमेज बच्चों डी पे मिल रहे हैं। दो केस पढ़ते हैं अपन, एक इन्फिनिटी वाला और एक डी वाला, ठीक है। और यहाँ पे तो इसका पूछा नहीं गया, इसकी बेसिक प्रॉपर्टी पूछी है। पहली बात तो एपर्चर ज्यादा होगा जो यहाँ लिखा है, डायमीटर के हिसाब से डायमीटर ज्यादा होगा, और फोकस ज्यादा हुआ तो आपकी फोकल लेंथ भी ज्यादा होगी। ऑप्शन 2 इसका सही जाएगा।